वेलकम टू रुखसाना किचन। चीयर टू यू। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ रमजान में आपने अफ्तारी टेबल को किस तरह से सेट करना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत चीजों में हेल्प हो जाएगी। जी तो चले मैं आपको बताती हूँ हम कैसे सेट करेंगे, जिससे हमारी स्पेस भी ज्यादा यूज नहीं होगी और हर चीज टेबल पर मैनेज हो जाएगी। और क्योंकि अफ्तारी में ढेर सारी चीज़ें होती हैं और प्लेट्स चम्मच जितने भी हो कम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन यूज होती है, आपको क्या करना है अफ्तारी से पहले टेबल को सेट कर लेना है। बर्तन चम्मच प्लेटें ग्लास ये चीज़ें तो आपने सेट कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हम एक बड़ी प्लेट लेंगे। हर चेयर के सामने जहाँ भी जहाँ जहाँ लोग बैठेंगे, मतलब कि हर एक बंदे के लिए, हर एक पार्ट के लिए उसका पूरा सेटअप लगा होना चाहिए। एक बड़ी प्लेट, फिर एक छोटी प्लेट उस प्लेट के बीच में रखेंगे, क्योंकि अलग से रखेंगे इतनी स्पेस हमें इसको इस तरह से सेट करना है। ठीक है, प्लेट एक ग्लास लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और एक स्पून और एक फोर्क इस साइड पे, स्पून और साथ ही हम रखेंगे फॉर्क को। ये हो गया एक बंदे का सेटअप। अब बाकी सबका भी मैं सेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक छोटा सा गुलदान, छोटे साइज का ही होना चाहिए, ज्यादा चौड़ा ना हो, इस बात का आपने ख्याल रखना, क्योंकि हमने सेंटर में खाने की डिशेज ऐड करनी है। तो चाहे तो बारीक सा हो, लॉन्ग स्टाइल में हो, जैसा भी हो, इस तरह से सेंटर में हम इसको ऐड करेंगे। अब ये जो पार्ट है ना बीच वाला, इसमें हमने अपनी खाने की चीज़ें जैसे समोसे पकोड़े दही बल्ले चाट ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ ऐड करेंगे। ये हो गए दही बल्ले, ये हो गई हमारी चाट, इस तरह से हम मैनेज करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए समोसे, ये हमारे हो गए रोल, इसी तरह से आगे हम इसको चलाते जाएंगे। थोड़ा इस शेप में इस तरह से हम चीजों को रखेंगे ताकि सारी चीजें हमारी सेट हो जाए। हमारे बाउल जो है दही बल्ले फ्रूट चाट और जो हमारी ट्रेस है पकौड़ों की समोसों की, ये सब सेंटर में ऐड हो गई। अब आ गया तो है लिक्विड, मतलब कि शेक होगा, जूस होगा, पानी होगा, इस तरह के काफ़ी जग होंगे, क्योंकि अफ्तारी है, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होंगी। तो उसको हमने, जैसे मैंने आपको कहा था दही भले इस तरह, तो इस शेप में हमने यूँ एंगल्स में सेट करना है। तो जो साइड वाली शेप्स होंगी उनमें हम, ये आ गया जी शेक आ गया हमारा, फिर इस साइड पे हमारा आ गया जूस जो भी, फिर इस तरफ आ गया हमारा पानी का जग। इस तरह से हमने सारी सेटिंग करनी है, तमाम चीजें भी आएंगी और अच्छी भी लगेंगी पड़ी हुई, और सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो ये चीज हो गई हमारी हाफ अफ्तारी, मतलब कि सेट हो गई हमारी। अभी क्या होता है कि पहले हम समोसे पकोड़े ये चीजें खाकर फिर नमाज ब्रेक आती है, नमाज पढ़ने जाते हैं, उसके बाद खाना। अब खाने पे क्या करना है हमने दोबारा से सेट करना है, क्योंकि सब प्लेटें गंदी हो गई, सब कुछ हो गया। आपने इस चीज़ को दोबारा से सेट करना है, मतलब कि प्लेट्स वगैरह आपने सेट कर दी, इसी तरह से ये सालन की प्लेट हो गई, वो चावल की प्लेट होगी, पुलाव बिरयानी जो जो बना होगा इन प्लेट्स में एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने स्पून रखने, इसी तरह के ग्लास साथ सेट करना है, और फिर ये जो चीज़ें उठ जाएंगी यहाँ से, समोसे पकौड़े दही भले चाट, इनके दोनों गायब हो जाएंगी और इनकी जगह पर आ जाएंगी ये आ गई जी चावलों की ट्रे। इसी तरह से हम थोड़ा तिरछा करके रखेंगे। ठीक है, ये हमारे सालन का बाउल हो गया, ये हमारे कोरमे का बाउल, जो जो हमने बनाया वो सारी चीज़ें हमने फिर से सेंटर में सेट कर दी। ठीक है, इससे आपका बहुत ही स्लीका नज़र आएगा और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज होगा। इस सब चीज़ों के अलावा, क्योंकि अफ्तारी से बर्तन बहुत यूज होते हैं और जग पानी भी बहुत इस्तेमाल होता है, तो
उसके लिए हमने क्या करना है, टेबल के बिल्कुल साथ इस कॉर्नर पर या उस जो आपके कॉर्नर बन रहा है उस कॉर्नर पर एक आपने साइड टेबल रखना है, क्योंकि बार बार आपको किचन में नहीं जाना पड़ेगा। साइड टेबल का ये फायदा होगा, जितने बर्तन हमको एक्स्ट्रा हमें चाहिए, बल्कि और प्लेट्स, छोटी प्लेट्स, चम्मच या कुछ मीठा है उसके लिए छोटी प्लेट्स जो बाद में हमने खाना है, वो तमाम बर्तन जो है वो हम उस टेबल पे पहले से ही सेट करके रखेंगे। हमारा साइड टेबल आपने इसको सेट करना है, आपने क्या करना है कि इस पे हम रखेंगे एक्स्ट्रा बर्तन, इस तरह से एक्स्ट्रा चम्मच, एक्स्ट्रा ग्लास, छोटी कटोरियाँ, प्लेटें, दो पानी के भरे हुए जग, क्योंकि पानी बार बार भरने जाना है आपने तो यहाँ पड़े होने चाहिए एक्स्ट्रा दो जग, एक टिश्यू का डिब्बा, इस तरह की चीज़ें आपने यहाँ पर रखनी है। जी तो व्यूअर्स, आपको बहुत से आइडियाज़ मिल चुके होंगे, देखो इस तरह से आपने सेट करना है, आपको इतनी आसानी होगी, चाहे तो आप ये चीज़ दोपहर में ही सेट कर लें सारी, और फिर आप खाने का बस ध्यान रखें और बस वो चीज़ें आपको करनी होंगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, अगर आपने ये चीज़ें पहले सेट ना की हो तो फिर बहुत वक्त इसी चीज़ को करने में लग जाता है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस तरह की बहुत सी वीडियोस मैं और भी बनाने वाली हूँ जिससे आपको बहुत आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो फिर से मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।